एक ये कहते हैं कि जो हमारा छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है तो क्या वो आखरत में अपने माँ बाप को पहचानेगा? तो जी बिल्कुल पहचानेगा, अल्लाह तबारक व ताला बल्कि माँ बाप की कफालत में उनको देगा। वो छोटा बच्चा सिफारिश करेगा बारगाह इलाही में अपने माँ बाप की, और उसकी सिफारिश बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तो ये हैं कि वो अल्लाह से झगड़ा करेगा, जदल के अल्फाज हैं, झगड़ा करेगा कि मेरे माँ बाप की बख्शिश कर दे, और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेगा, वो अपने माँ बाप के साथ जन्नत में होगा और फिर उसकी परवरिश होगी, उसको दूध पिलाया जाएगा, बड़ा होगा और वो फिर अपने माँ बाप को ना सिर्फ पहचानेगा बल्कि साथ रहेगा। अच्छा, ये नहीं कि बड़ा होने के बाद पहचानेगा, क्योंकि सिफारिश तो वो कच्चा बच्चा कर रहा है, छोटा बच्चा कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह ताला उसको इल्हाम फरमाएगा और वो इस वजह से अपने माँ बाप को पहचान पाएगा। तो बिल्कुल हमारी जो बहनें इस वक्त हमें सुन रही हैं, जो अपने छोटे बच्चों से महरूम हुई, उनके जिगर का टुकड़ा, उनके दिल का टुकड़ा उनसे जुदा हुआ, गम बहुत होता है, सदमा होता है, माँ बाप भी बेचारे बहुत सदमे में होते हैं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत रखिए, कल ये बच्चा इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर आपका फूल आपसे लिया है तो इसके बेनिफिट्स और इनाम भी आपको देगा, लेकिन शर्त उसकी ये है कि आप मतलब बदतमीज़ी ना करें अल्लाह की बारगाह में, अल्फाज बगावत अदा ना करें, ना शुक्री के अल्फाज ना हों, आप अल्लाह ताला के को खुदा न खास्ता कोई गलत लफ्ज़ ना कह दें कि अल्लाह तूने क्या जुल्म कर दिया, तुझे मेरे बच्चा नज़र आया था, ये कैसे नाइंसाफ़ी है, इस तरह तो फिर ईमान भी ज़ाया हो सकता है, फिर वो बच्चा क्या सिफारिश करेगा अगर वालदेन का ईमान ही बाकी नहीं रहेगा। तो अगर किसी ने इस तरह के कोई बदतमीज़ी के जुमले अदा किए हैं तो वो तजदीद ईमान कर लें, तजदीद निकाह कर लें, दोबारा निकाह करें, दोबारा मुसलमान हों, कलमा पढ़ें, बाकायदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आइंदा ज़िंदगी में थोड़ा सा एहतियात की जाए।